हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू फिफ्थ चैप्टर सुक्ति मौक्तिकम। टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदे इन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखने हैं। फर्स्ट, वित्तते क्षीणे किदृशः भवति। धन के क्षीण होने पर कैसा होता है मनुष्य, कैसा हो जाता है। इसमें वो मनुष्य का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर मतलब यही है कि धन के क्षीण होने से कैसा होता है, अक्षीण है। धन के क्षीण होने पर मनुष्य है वो नष्ट नहीं होता, अक्षीण ही रहता है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, अक्षीण है, अक्षीण है। सेकंड, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समा आचरेत। किस प्रकार का जो प्रतिकूल कार्य है, कैसा प्रतिकूल कार्य है, दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो आत्मन यानी कि स्वयं के प्रति जो प्रतिकूल आचरण है वो हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा आत्मन। थर्ड, कुत्र दरिद्रता न भवेत। कहाँ पर निर्धनता नहीं होनी चाहिए, कंजूसी कहाँ नहीं होनी चाहिए, वचने। तो वचने दरिद्रता न भवेत, वचने। फोर्थ, वृक्षा स्वयं खानी कानी न खादंती। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते, फलानी, फलों को नहीं खाते, फलानी। नेक्स्ट, का पूरा लघ्वी भवती। कौन पहले छोटी होती है, क्या पहले छोटी होती है। तो सज्जना नाम मैत्री। सज्जनों की जो मित्रता है वो पहले छोटी होती है और बाद में वो बढ़ती जाती है। सज्जना नाम मैत्री। सज्जनों की मित्रता पहले छोटी होती है और बाद में वो बढ़ती जाती है, जो कि परार्ध की छाया के समान है, जो कि पहले छोटी होती है छाया और बाद में वो लंबी होने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत। तो इनके आंसर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। फर्स्ट, यत्नेन किम रक्षेत वितम वृतम या वा। तो यत्न से, प्रयत्न पूर्वक मनुष्य को किसकी रक्षा करनी चाहिए, वित्त की या वृत्त की, यानी कि धन की या फिर चरित्र की। तो मनुष्य को किसकी रक्षा करनी चाहिए, वृत्तम की। तो इसमें आपको लिखना है यत्नेन वृत्तम रक्षेत। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, यत्नेन वृत्तम रक्षेत। प्रयत्न पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक मनुष्य को अपने आचरण की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट, अस्माभिः कीदृशम् आचरणम् न कर्तव्यम्। हमें किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। तो आत्मन है अस्माभिः। अस्माभिः आत्मन है। अस्माभिः आत्मन है प्रतिकूलानि कार्याणि। अस्माभिः आत्मन प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत। हमें स्वयं के प्रति अनुकूल जो प्रतिकूल कार्य है वो दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए, वैसा आचरण हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, जंतव है केन तुष्यन्ति। तो प्राणी किससे संतुष्ट होता है, प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी कि प्रिय वाक्य, प्रिय वचन बोलने से। जंतव है प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। जंतव है प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। नेक्स्ट, सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। तो सज्जनों की मित्रता सज्जना नाम मैत्री दिनस्य परार्ध छाया इव आरंभे।
सजनों की मित्रता, दिनश अपरार्ध छाया इव आरंभे लघवी पश्चात, लघवी पश्चात चे गुरवी भवति। तो देखो सजनों की मित्रता कैसी होती है, सजना नाम मैत्री, दिनस्य परार्ध छाया इव आरंभे लघवी पश्चात चे गुरवी भवति। सजनों की मित्रता दिन की परार्ध की छाया के समान, आरंभ में लंबी होती है, सॉरी आरंभ में छोटी होती है, लघु होती है, लघवी मीन्स पश्चात, उसके बाद में वो गुरवी यानी कि लंबी हो जाती है, ऐसी सज्जनों की मित्रता होती है। नेक्स्ट, सरोवरा नाम हानि है कदा भवती, तालाब की हानि कब होती है, सरोवर की हानि कब होती है, तो कब होती है, यदा जब, यदा हंसा तान परित्यज्य यदा हंसा तान परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति, जब हंस उनको छोड़ करके और कहीं दूसरी जगह पर दूसरे सरोवर में चले जाते हैं, यदा हंसा तान परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति। ये आपके एक पदयन उत्तरत है और ये पूर्ण वाक्यन क्वेश्चन है, ठीक है, इनके आंसर आपको इसे कंप्लीट लिखने हैं और इनके एक एक वर्ड में ही लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कै स्तंभे विशेषणानि, खै स्तंभे च विशेष्याणि दतानि, तानि यथो उचित योजत, इनको मैच करना है। फर्स्ट देखो, आस्वाध्यतोया, आस्वाध्यतोया को आपको मैच करना है नद्य से, ये स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ। नेक्स्ट खै, खै को गुणयुक्त है, गुणयुक्त है दरिद्र, गुणवान दरिद्र। फिर गय का दिनश्य पूर्वार्ध बिना, दिन की पूर्वार्ध की छाया के समान किसकी मित्रता होती है, खला नाम मैत्री, दुर्जनों की मित्रता। घय दिनस्य परार्ध बिना और दिन के परार्ध की छाया के समान किसकी मित्रता होती है, सज्जनों की मित्रता, सजना नाम मैत्री से इसको मैच करना है। वापस देखो एक बार, फर्स्ट का आस्वाद्य तोया को नद्य से मैच करना है, गुणयुक्त है को दरिद्र से मैच करना है, दिनस्य पूर्वार्ध बिना खला नाम मैत्री और परार्धस्य दिनस्य परार्ध बिना सजना नाम मैत्री। नेक्स्ट, अधोलिखित पदे वह भिन्न प्रकृति, भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत, इनमें से अपन को जो डिफरेंट है उनको चूज करना है। तो देखो, वक्तव्यम कर्तव्यम हंतव्यम, ये चार नाम है, इसमें से जो सर्वस्वम है वो अलग है, कौन सा अलग है इसमें सर्वस्वम, और सर्वस्वम क्यों अलग है, क्योंकि जो बाकी तीन है उसमें तव्यत प्रत्यय का यूज हुआ है, लेकिन जो सर्वस्वम शब्द है उसमें तव्यत प्रत्यय नहीं है, सर्वस्वम कौन सा अलग हो जाएगा इसमें, सर्वस्वम। नेक्स्ट, यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन, इसमें जो अलग है वो वचने है, क्योंकि वचने और बाकी सभी में तृतीय विभक्ति आई है, लेकिन जो वचने है उसका तृतीय विभक्ति में गलत है, क्योंकि वचने का तृतीय विभक्ति में वचने नहीं होता, वचनेन होता है। नेक्स्ट, श्रूयताम एव अधार्यताम धनवताम क्षम्यताम, इसमें धनवताम गलत है, क्योंकि धन के साथ में वताम ज्वाइंट किया हुआ है, ये गलत है धनवताम। जंतव है, नद्य है, विभूत है, इसमें जो है वो परितय अलग है, क्योंकि बाकी तीन संज्ञा शब्द है और जो परितय है वो एक अव्यय शब्द है, तो यहाँ पर कौन सा अलग हो गया, परितय है। नेक्स्ट, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, फर्स्ट है वृत्तय क्षिणय हतय भवति, तो वृत्तय की जगह हो जाएगा कस्मात, वृत्तय का क्या हो जाएगा कस्मात, कस्मात यानी कि किस से, वृत्त चरित्र से मनुष्य क्षीण हो जाता है, चरित्र के क्षीण होने पर मनुष्य का विनाश हो जाता है, तो यहाँ पर होगा किस से, तो कस्मात। नेक्स्ट, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, धर्म का सार सुनकर के उसे धारण करना चाहिए, तो धर्म सर्वस्वम की जगह होगा कम यानी किसको, धर्म सर्वस्वम की जगह आपको लिखना है कम और बाकी जो सेंटेंस है पूरा वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट, वृक्षा है फलम न खादंती, वृक्ष फल नहीं खाते हैं, तो वृक्षा की जगह बहुवचन में क्या हो जाएगा के, इसमें हो जाएगा के। नेक्स्ट, खला नाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती, खला नाम, खला नाम की जगह होगा केसाम यानी किसकी मित्रता आरंभ में लंबी होती है, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा केसाम।
ये आपको लिखने के बाद में पूरा सेंटेंस वैसे ही लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत्। इसको लोट लकार में चेंज करना है, जो लास्ट में क्रिया है उसको हम लोट लकार में चेंज करेंगे। जैसे फर्स्ट देखो, सह पाठम पठति, तो पठति का जो है वो लोट लकार में पठतु हो गया। यहाँ पर जो नद्य आस्वाद्य तो या संति, तो लास्ट का आपको सिर्फ लास्ट का चेंज करना है, लेकिन सेंटेंस आपको पूरा लिखना है, तो संति की जगह हो जाएगा संतु। संति की जगह क्या हो जाएगा? संतु। नेक्स्ट, सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, वदति की जगह क्या हो जाएगा? वदतु। लोट लकार में चेंज कर रहे हैं हम वदतु, जो जिस वचन का है, जिस पुरुष का है, उसे उसी में ही चेंज करना है, ठीक है। त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसी। अब समाचरसी तो ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, और मध्यम पुरुष का एक वचन लोट लकार में क्या हो जाएगा? समाचर। नेक्स्ट, ते वृतम यत्नेन संरक्षति, संरक्षति की जगह हो जाएगा संरक्षतु। संरक्षति, संरक्षतु। नेक्स्ट, अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, करोमि की जगह लोट लकार में होगा करवाणी। लोट लकार में क्या हो जाएगा? करवाणी। तो देखो, संतु, वदतु, समाचर, संरक्षतु और करवाणी, ये यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नोटबुक में आपको कौन से क्वेश्चन आंसर करने हैं वो देखो, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, और सिक्स्थ और सेवन्थ। फर्स्ट, सेकंड, सिक्स्थ और सेवन्थ, ये नोटबुक में आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।